नमस्कार, मैं मानसी, आप देख रहे हैं आई 24 न्यूज़। आई 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। शिक्षा के स्तर को किस तरीके से सुधारा जाए, इस संदर्भ में वरिष्ठ संवाददाता विनोद ने आज शिक्षक डॉक्टर जितेंद्र कुमार से की बातचीत। डॉक्टर जितेंद्र कुमार, जो कि नालंदा वाले सीनियर सेकेंडरी स्कूल बल्लभगढ़ के प्रिंसिपल भी हैं और अनेक बच्चों को शिक्षा से अच्छी जगह उन्नति के पद पर है। आइए देखते हैं आई 24 न्यूज़ की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार, प्रिंसिपल नालंदा बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल आदर्श नगर। सर, अगर हम आज शिक्षा के स्तर को किस तरीके से सुधारा जाए, इस बारे में हम आपसे बात करने के लिए आए, तो कुछ आप सुझाव देना चाहेंगे? अगर सर शिक्षा के स्तर की बात की जाए तो इसके लिए जिम्मेदार तीनों वर्ग हैं, आपका अभिभावक वर्ग, आपके टीचर्स और आपका जो हम सोसाइटी कह सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा पेरेंट्स की। जो भी नैतिक मूल्य होते हैं, सबसे पहले इसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है, क्योंकि जो सबसे बड़ा गुरु होता है वो माँ होती है। लेकिन आज आधुनिकीकरण के युग में पेरेंट्स के पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है और सबसे बड़े जो नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है वो घर से ही शुरू हुआ है। जो दूसरा फैक्टर है वो स्कूल में है। पहले ज़माने में जो गुरु होते थे, टीचर्स होते थे, उनके नैतिक मूल्य होते थे, वो अपने बच्चों को एक बहुत अच्छे शिष्य की तरह शिक्षा देना चाहते थे। लेकिन आज के युग में जो टीचर्स के नैतिक मूल्य हैं उनमें भी गिरावट आई है। तो जो ओवरऑल हम देखना चाहें, नैतिक मूल्यों में जो पतन हुआ है, उसके लिए आपका समाज और परिवार और जो आपके टीचर वर्ग हैं, तीनों ही जिम्मेदार हैं। आज शिक्षा का स्तर लगातार निचले स्तर पर है, इसके मुख्य कारण क्या मानते हैं? सर, जो शिक्षा का स्तर बिल्कुल निचले स्तर पर, इसका मेन कारण ये है कि हम बच्चों को, जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स वर्ग है, बच्चों के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे हैं। आधुनिकीकरण के युग में बच्चे मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं और मेरे ओपिनियन में, अगर मेरा सुझाव लिया जाए तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे स्टेट बोर्ड होते हैं, स्टेट बोर्ड ना होके पूरे सेंटर का एक बोर्ड होना चाहिए, जिससे कि एकीकरण हो, जातिवाद खत्म हो, धर्म खत्म हो और सभी बच्चों के लिए एक बोर्ड होगा तो उनकी असली काबिलियत निकल के बाहर आएगी। तो सर, अगर मान लीजिए ये एक बोर्ड हो जाए पूरे देश भर में, तो इसको कितना सफल मानेंगे आप? नहीं सर, ऐसा है कि सेंट्रल बोर्ड होगा, जैसे CBSE होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एक तरीके से इंटरनेशनल बोर्ड भी है, विदेशों में भी ये चल रहा है और हम देखते हैं कि स्टेट बोर्ड से ज़्यादा अहमियत CBSE बोर्ड की है। आज कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्टेट बोर्ड में नहीं पढ़ाना चाहता, वो CBSE में ही जाना चाहता है, क्योंकि CBSE का अपना कोर करिकुलम है, सिस्टम है और उसकी ऑथेंटिसिटी है। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि जो भी स्टेट बोर्ड हैं उनका जो ऑथेंटिसिटी है वो कम है या उन पर हम फेद नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल देखा जाए, इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर देखा जाए, तो एक सेंट्रल बोर्ड होना ही चाहिए, जिससे कि शिक्षा के स्तर को बेहतर किया जा सके।